इस वीडियो में हम बात करेंगे बोया M1 प्रो और बोया M1 DM के बारे में। तीनों माइक्रोफोन्स में क्या डिफरेंस है, तीनों की कैसी साउंड क्वालिटी है और कौन सा माइक आपको ख़रीदना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीनों माइक्रोफोन्स की कंपैटिबिलिटी की। तो तीनों माइक को आप स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर या फिर PC के साथ में यूज़ कर सकते हो। वैसे बोया M1 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माइक है। बोया के जो 2000 से नीचे के माइक्रोफोन्स आ रहे हैं, इवन जो हाई रेंज में आते हैं, उन सब की कॉपी इंडिया में अच्छी खासी तरह से मौजूद है। मतलब अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पे दवा के फेक या फिर जो लोकल माइक होते हैं बेचे जा रहे हैं। इसके हम एक वीडियो बना चुके हैं कि आपको कैसे ओरिजिनल या फिर जो फेक माइक है उसके बारे में पहचान करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखना वरना आपका घाटा हो सकता है। खैर बात करते हैं तीनों के स्पेक्स की। तीनों माइक्रोफोन्स में आपको एक एक्सटर्नल बैटरी की नीड होती है, बिना बैटरी के माइक काम नहीं करेंगे। तीनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो बोया VY M1 है, ये माइक सिंगल चैनल माइक है, सिर्फ एक जने की वॉइस को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोया M1 से अगर आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पहले उस साउंड को सेव करना पड़ेगा स्मार्टफोन या फिर कैमरा में, उसके बाद में ये जो प्लग होता है, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन से जो माइक का प्लग होता है वो आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद में आप जो साउंड रिकॉर्ड किए हैं आपने वो सुन पाएंगे। बट अगर हम बोया M1 प्रो की बात करें तो बोया M1 और M1 प्रो दोनों में बिल्कुल सेम चीजें हैं, बट इसमें एक हेडफोन जैक या फिर ईयरफोन जैक कह सकते हो 3.5 mm का ऐड कर दिया है, जिसकी हेल्प से साउंड रिकॉर्ड करने के बाद जो माइक का प्लग होता है वो आपको आउट नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से उसमें ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं साउंड को। अब अगर मैं बोया M1 DM की बात करूं तो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बट ये डुअल चैनल माइक्रोफोन है क्योंकि इसमें सिंगल कंडेंसर से दो माइक्रोफोन अटैच कर दिए हैं। मतलब एक टाइम में यू कैन रिकॉर्ड दो जनों की आवाज। तो मेरे हिसाब से जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं या फिर जो इंटरव्यूज करते हैं या जो कॉमेडी वीडियोस होती हैं, लाइक दो जनों की एक साथ में आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो उन चीजों में इस माइक्रोफोन का आप यूज कर सकते हैं। ये जो हल्की हल्की नॉइज आ रही है ना, ये मेरी गोडॉक्स की लाइट है, इसकी आवाज़ इसमें आ रही है। बट जैसे ही मैं इसमें बोलना शुरू करता हूँ तो आप मतलब बिल्कुल तो साउंड आनी बंद नहीं हो जाती है, बट हाँ नॉइस कैंसिलेशन कुछ हद तक इसमें है। काफ़ी सारी जो फालतू की नॉइज है उसे ये कैंसिल कर देता है। लेकिन हाँ, अभी ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या जो मैं बोल रहा हूँ, ये है बोया VY M1। शायद इसमें भी आपको वो जो लाइट है उसकी नॉइज पता चलता होगा कि आ रही है नहीं आ रही, और जैसे मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ काफ़ी सारी नॉइज़ कैंसिल हो जा रही है। वैसे ये जो माइक है ये है बोया VY M1 प्रो। अब कर लेते हैं बोया VY M1 DM की साउंड टेस्टिंग। हेलो 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 तो अब साउंड रिकॉर्ड हो रही है बोया VY M1 DM से। काफ़ी बढ़िया माइक है, मतलब दो जनों की एक साथ में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब साउंड क्वालिटी कैसी है तीनों माइक्रोफोन की, लाइक M1, M1 Pro और M1 DM की, आपको पता चल गया होगा। प्राइस में तीनों के हाँ हल्का फुल्का सा फ़र्क है, और अगर आप एक जगह बैठ के, लाइक एक आपका कोई स्टूडियो है वहाँ बैठ के अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और सिंगल आदमी है लाइक एक जने की भी साउंड रिकॉर्ड करनी है, तो फिर बोया M1 के लिए जा सकते हो। काफ़ी परफेक्ट है और शुरुआत के 2-2.5 साल मैंने इसे यूज़ किया है। अगर आपको बार बार साउंड क्वालिटी टेस्ट करनी है, लाइक अगर आप कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं या फिर कोई और डायलॉग वाली वीडियो होती है जो आपको एक एक डायलॉग सुनना होता है रिकॉर्ड करने के बाद, तो आप बोया VY M1 प्रो ले सकते हैं। मतलब बार बार प्लग इन आउट किए बिना आप आराम से जो साउंड है उसकी क्वालिटी या फिर क्या एग्जैक्ट क्या साउंड आई है उसमें रिकॉर्ड हुई है वो आप सुन सकते हैं। अब अगर आप एक साथ दो जनों की, लाइक इंटरव्यूज़ हो गए या फिर मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, मतलब आपको आपकी नीड के बारे में पता होगा, तो फिर आप M1 DM ले सकते हैं। और भैया दुनिया में धोखाधड़ी दबा के हो रही है, कोई भी माइक खरीदने से पहले पता कर लें ओरिजिनल है या फिर लोकल, और लिंक हमने सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके बिना किसी दिक्कत परेशानी या फिर बिना ज़्यादा सोचे समझे खरीद सकते हैं। बिल्कुल 100% जेन्युइन माइक मिलेगा। वैसे अभी इस वीडियो की जो मैंने साउंड रिकॉर्ड की है वो की है ये बोया M1 प्लस से, जो कि एक शॉटगन माइक है, और अभी मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि ये DSLR के लिए बेस्ट है। अगर मैं इसे कैमरा के ऊपर माउंट करता हूँ तो फिर डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है,
और जो बॉयज है आती है बट उस लेवल की नहीं आ पाती। वैसे बहुत ही जल्द बोया M1 और M1+ का जो रिव्यू है या फिर जो दोनों का कंपैरिजन हम लेकर आने वाले हैं। वैसे हिंदुस्तान में जितने भी बोया के माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं सभी को हमने खरीद के एक वीडियो बनाई है अनबॉक्सिंग की, थोड़ी बहुत साउंड टेस्टिंग की, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।